करनाल पुलिस ने अटल सेवा केंद्र में फर्जी राशन व आयुष्मान कार्ड बनाने वाले दो आरोपितों को काबू किया है। आपको बता दें कि थाना शहर करनाल में सूचना प्राप्त हुई कि अटल सेवा केंद्र संचालक संजय व राम गोपाल मिलकर अपने अटल सेवा केंद्र पर फर्जी राशन कार्ड व आयुष्मान कार्ड बनाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। इस संबंध में प्रवीण धीमान, CSCE गवर्नेंस सर्विस इंडिया के स्टेट मैनेजर के बयान पर दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना शहर करनाल में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की आगामी तफ्तीश उप निरीक्षक जसविंदर थाना शहर करनाल को सौंपी गई। तफ्तीश के दौरान आरोपियों के अटल सेवा केंद्र से 5 लैपटॉप, 1 CPU, 3 मोबाइल फोन व नकली दस्तावेज बरामद किए गए। दोनों आरोपित संजय निवासी गांव सुहाना व राम गोपाल निवासी अशोकनगर करनाल को मेरठ रोड करनाल से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को अब 4 फरवरी को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा। रिमांड के दौरान आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जाएगी व मामले का खुलासा किया जाएगा। 5 लैपटॉप है, 3 मोबाइल है, जिनको हमने फर्द द्वारा कब्जे में ले लिया था। उसके उपरांत हमने इसमें FIR दर्ज किया है। FIR नंबर 63 है जी, जिसमें 420, 63, 68 और 71 हमने कल इसके तहत दर्ज की थी जी। इसमें आज हमारी टीम को सफलता मिली है। आज हमने दोनों आरोपियों को आज इनकी शॉप से ही अरेस्ट किया है, गिरफ्तार कर लिया गया है और कल इनको कोर्ट में पेश करेंगे और 4 दिन का रिमांड लिया जाएगा। सर, कैसे पता लगा इस पूरे सर्विस सेंटर जो है ना, इनके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन थी कि इन्होंने कुछ नकली अपना ये आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं जी। बेसिकली इसमें क्या था कि राशन कार्ड ये नकली यूज करते थे, उसको सबमिट कर देते ऑनलाइन, वो आयुष्मान कार्ड था वो असली बन के आ जाता जी। इसमें मेन इशू ये होता है कि आप जैसे इसमें 5 लाख तक का क्लेम मिल ले सकते हैं मेडिकल वगैरह का हर साल। तो इसमें गवर्नमेंट को भी काफी लॉस हुआ है, वो हमारी जांच का विषय है जी। हमने इनको अरेस्ट किया है जी, कल कोर्ट में पेश करेंगे, 4 दिन का रिमांड लेंगे। तो सर कुछ लोग भी ऐसे, वो जांच का विषय है जी। अभी तक तो हम और भी इनसे बोलेंगे कि कितने इन्होंने नकली बनाए हैं, वो CSCE सेंटर से हमें मिल जाएंगे जी। तो उसके बाद आगामी तफ्तीश अमल में लाएगी। तो अगर कुछ लोग इस तरह से हों वो सामने आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं जी, शिकायत दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कुछ सर कार्रवाई इसमें आगे की रहेगी? इसमें यही है जी, अभी तो इनको अरेस्ट किया है और कल पेश करेंगे, 4 दिन के रिमांड पे लेंगे। इनसे हमने कुछ मौके से हमें नकली दस्तावेज भी हमें मिले हैं जी, और वो हमने कब्जे में ले लिया। लेकिन अभी और इनसे जैसे इन्होंने नकली मोहर वगैरह यूज करी है फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की जी, तो उसको हमने बरामद करना है इनसे, और जो डॉक्यूमेंट है नकली वगैरह जो फेक इनके राशन कार्ड है उनसे हमने। फिलहाल सर किसकी शिकायत में मामला दर्ज हुआ? ये कॉमन सर्विस सेंटर के प्रवीण धीमान जी, स्टेट मैनेजर, उनकी तरफ से। हाँ जी ऑफिसर, जिस तरह से आप बता रहे फूड एंड सप्लाई की, ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।